नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्री राम जी के गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को विराजमान होने का अक्षत कलश यात्रा और 1 जनवरी से हर घर जाकर अयोध्या से आया निमंत्रण को पहुँचाना है और अयोध्या का फोटो चित्र भी देना है। आप लोगों को बताते चले कि यह काम विश्व हिंदू परिषद संघ के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें फतेहपुर जिले के खागा नगर से हर खंड प्रखंड के कारण सेवकों द्वारा किया जा रहा है। और वही हसवा खंड में संघ के प्रचारक भानगड़ा के साथ घर घर जाकर अयोध्या के 22 जनवरी का उत्साह मनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत 22 जनवरी को दीपावली पर्व मनाने को भी बताया जा रहा है। सबसे बड़ी अपने जीवन की दीपावली पर्व की खुशी में पटाखे फोड़ने और मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई जानी चाहिए। डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि हमारे जीवन का 22 जनवरी 2024 त्रेतायुग से कम नहीं है। हमारा जीवन धन्य है जो 500 वर्षों बाद हम लोगों के जीवन काल में आया है। हमें भी इस समय को पूरा उपभोग करने को मिल रहा है। आइए सुने क्या कहा विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय शिव प्रसाद विश्वकर्मा ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। हनुमान चालीसा भी हो सकता है, अखंड रामायण का पाठ भी हो सकता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सारे गांव के मिलके कोई घर ना छूटने पाए, महादीपावली रात्रि में मनाना है और घर घर घी के दीपक जलाना है, ऐसी रचना है।